We are going for a date night. I want puchka. Puchka chahiye. Hello, namaskar and namaste friends. Welcome to Ajabish Tales. My name is Vishakha and I'm back with a new vlog. Today the vlog is going to be a daily vlog, but yet it's going to be a little different because I'm going to make various dishes today. I'm going to try it in a different ways. So yes, I'm very excited. I hope Mr. Sinha likes it, and I also hope that you guys like this video as well. So yes, and one more thing is there, we are going for a date night tonight, so I'm excited for that as well because bahut din baad hum log saath ja rahe hain bahar akeli. साथ में तो घूमे हैं बहुत, लेकिन अकेले नहीं घूमे, बहुत दिन हो गया. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. और सिलीगुड़ी में ठंडा आ गया है. आई एम वेयरिंग अ स्वेटर एज यू कैन सी. अभी मैं सो के उठी हूँ जस्ट. अभी मैं नहाने जा रही हूँ, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ. पानी गर्म करने के लिए बिठा दिया है क्योंकि ठंडा पानी से तो अभी नहाना इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. सो अभी फ्रेश होके खाना बनाने जाऊंगी क्योंकि मिस्टर सिन्हा को आते ही खाना चाहिए होगा लंच, तो लंच प्रिपेयर करूंगी अभी. तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं. आज स्नैक्स बनाने के लिए सोच रही हूँ एंड डिनर भी हैवी होगा, तो आई थॉट कि लंच थोड़ा सिंपल रखती हूँ. इसीलिए आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग खिचड़ी फॉर लंच. खिचड़ी के लिए मैंने लिया दाल चावल, आलू, प्याज, देन मिर्ची, जीरा एंड देन मसाले, बस इतना ही. और मैं गाजर, मूली, पम्पकिन वगैरह भी डालती हूँ होने से, लेकिन वो सब्जियाँ मेरे पास अवेलेबल नहीं था, ख़त्म होके था, इसीलिए मैंने एकदम सिंपल रखा आज का लंच. वैसे किस किस को पसंद है खिचड़ी? मेरा तो फेवरेट है. दिखने में थोड़ा फीका लगता है, सिंपल सा खाना है, पर मुझे पता नहीं इतना टेस्टी लगता है. मैं ये जब काम करने का मन नहीं हो और टेस्टी भी खाना खाने का मन कर रहा हो तो खिचड़ी इज़ ऑल टाइम फेवरेट. आई गेस किसी को खाना बनाना नहीं आने से भी खिचड़ी तो बनाना आएगा ही. इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी, जिसमें बस तेल डालना है, देन जीरा, देन उसमें प्याज डालना है, मिर्ची डालना है, फिर दाल चावल को डाल के फ्राई करके उसमें बस मसाले डालना है. मसालों में जैसे हो गया रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, बस इतना ही मसाले डाल के उसको थोड़ा स्टर करके उसमें पानी डाल दीजिए, फिर आलू डाल दीजिए एंड इट्स डन आफ्टर सीटी बजने के बाद. बस दाल या चावल बनाने के कंपैरिजन में खिचड़ी में पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि मुझे लिक्विड वाला ज़्यादा पसंद है, ना कि थोड़ा ग्रेवी वाला. इसीलिए मैं ज़्यादा पानी डाल के खाना प्रेफर करती हूँ. खिचड़ी के साथ मीठी टमाटर का चटनी, वाओ इतना टेस्टी लगता है. द कम्बिनेशन इज़ ग्रेट. मैं उसके बिना खिचड़ी नहीं खा सकती, पर मुझे स्वीट वाला पसंद है, ना कि नमकीन वाला, जिसको हम बिलाही टॉक भी बोलते हैं असमीज में. और उसके लिए मैं ये टमाटर काट रही हूँ. देन प्याज तो नहीं चाहिए इसमें, बस टमाटर, फिर 5 फ़ोरन, थोड़ा सा मिर्ची, चीनी, थोड़ा सा नमक एंड तेल, बस इतना ही. अभी मैं पैन में तेल डालूंगी, उसके बाद थोड़ा सा चीनी. स्वीटनेस के हिसाब से आपको जितना स्वीट चाहिए उसी के हिसाब से आपको चीनी डालना पड़ेगा. मुझे बहुत ही स्वीट चाहिए तो मैंने 4 चम्मच डाल दी. फिर थोड़ा 5 फ़ोरन, इसको स्टर करते रहना है. उसके बाद जैसे ये गोल्डन हो जाएगा लिक्विड बनके, उसमें आप टमाटर डाल दीजिए. उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्का सा नमक एंड स्टर करते रहिए. जैसे ही वो लिक्विड हो जाएगा आपका बिलाही टॉक इज़ रेडी. बस ये ध्यान रखना है कि चीनी को भी स्टर कर रहे हैं हम लोग कंटिन्यूसली, और टमाटर डालने के बाद टमाटर को भी स्टर कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तभी ये स्वाद आता है इसमें, इसमें फ्लेवर आता है और तब ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में.
पसंद आया बताओ जरा। तुम्हें बताना सीक्रेट है। बोलो। मैं कुछ पूछ रहे कौन पसंद आया? तृप्ति दिमरी। You look like a fool. Die. 20 push-ups. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. मिस्टर सिन्हा के बकवास के बाद हम लोगों ने खाना खाया जिसको मैं कैप्चर करना भूल गई थी। खाना खाने के बाद मैं ये मूली काट रही हूँ। मैं सोच रही हूँ इससे अचार बनाऊँ। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग टू मेक अचार। आई होप ये टेस्टी बनेगा। बहुत ही सिंपल बनाने जा रही हूँ। इसको काट के अभी मैं थोड़ा दिन के लिए धूप में रखूँगी। उसके बाद मसाले वगैरह डाल के, तेल डाल के इसको फिर कंटेनर में रख दूँगी। लंच हो गया। अभी मैं स्नैक्स प्रिपेयर कर रही हूँ शाम के लिए। आई हैव टेकन प्रॉन्स जो मैंने कल ख़रीदा हुआ था और इसको मैं अभी टेम्पूरा प्रॉन्स बनाऊँगी। इट्स गोइंग टू बी फॉर द सेकेंड टाइम। आई होप अच्छा बने। पहले भी बना चुकी हूँ एक बार, तब तो बहुत ही अच्छा बना था। आई होप इस बार भी अच्छा बन जाए। इसके लिए मैंने लिया अंडा, फिर मैंने ओट्स को ग्राइंड किया, फिर कॉर्नफ्लावर लिया और सब में थोड़ा थोड़ा नमक डाल के उसको मिक्स किया। उसके बाद आप देखिए मैं क्या बनाती हूँ। मैंने तो ऐसे बोल दिया कि मैं खुद का ही तारीफ़ कर रही हूँ जैसा लग रहा है मुझे, पर ऐसा कुछ नहीं। मैं इतना अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ पर खाने लायक तो बना लेती हूँ जिसको खा के सब बोलते हैं कि अच्छा लगा खा के, तो वो सुन के बहुत अच्छा लग जाता है। और वही मेरे लिए काफ़ी होता है कि मैंने किसी के लिए कुछ बनाया हो प्यार से तो उनको अच्छा लगा है खाने के लिए। तो हम थे प्रॉन्स बनाने में, तो मैंने पहले प्रॉन्स को कॉर्नफ्लावर में डिप किया, उसके बाद अंडे में डिप किया, उसके बाद मैंने ओट्स का जो मैंने ग्राइंड करके मिक्सचर बनाया था उसमें डिप किया एंड देन मैंने तेल में डाल दिया। ऐसे बनाया मैंने प्रॉन्स टेम्पुरा। बनाने के बाद जैसे ही हुआ मेरे से रहा नहीं गया और मैंने तीन उठा के खा लिया और बाकी रख दिया मिस्टर सिन्हा के साथ खाने के लिए। मैं रेडी हो रही हूँ, थोड़ा बाहर जाने का प्लानिंग किया है। मिस्टर सिन्हा भी गया है, उसका ऑफिस का आज कुछ पार्टी है तो थोड़ा टाइम के लिए वहाँ गया, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में ही। तो उसके बाद हम दोनों जाएंगे, बहुत दिन बाद हम दोनों साथ में आज बाहर जा रहे हैं। हम लोग गए थे घूमे थोड़ा, लेकिन बैठ के अकेले एक साथ बातें नहीं किया, तो इट्स लाइक अ डेट नाइट टू नाइट। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग फॉर मी टू स्पेंड टाइम विद हिम। तो वैसे तो एनी टाइम साथ में ही रहते हैं, बट बाहर जाना एक साथ दोनों अकेले तो वो एक्साइटमेंट भी अलग ही होता है। तो इसीलिए अभी मैं वेट करूँगी। मैंने पूरा मेकअप नहीं किया, मैंने बस बीबी क्रीम लगाया है, आईब्रोज किया है, अभी काजल लगाना है, लिपस्टिक लगाना है, थोड़ा ब्लश लगाना है, आई एम डन। तो थोड़ा मेकअप करती हूँ मैं अभी और उसका वेट भी करना है, वो आने के बाद ही जा पाएंगे। तो चलिए मैं मेकअप करती हूँ अभी। ये मैं रेडी हो गई, बैठी हूँ मिस्टर सिन्हा के लिए वेट कर रही हूँ। वो आएगा अभी, जाएंगे, बस वो जल्दी आ जाए। तो हम आए हैं पिनोरी करके एक रेस्टोरेंट है सिटी सेंटर मॉल में सिलीगुड़ी में, भनसागर करके भी बोला जाता है। इसमें आए थे, मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद है, स्पेशली द नेपाली डिशेज ऑफ माय फेवरेट। तो मैं नेपाली थाली खाने के लिए यहाँ आती हूँ। ये रहा उसका मेन्यू जिसमें बहुत सारे डिशेज अवेलेबल है, लेकिन मैं इनमें से बस एक ही चीज़ लेती हूँ जो है नेपाली थकाली, विच इज़ नेपाली थाली, जो कि बहुत ही टेस्टी है।
अगर आप सिलीगुड़ी में कभी आए और सिटी सेंटर में घूमने के लिए आओ आप, तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा है यहाँ का खाना। इतना ठंडा लग रहा है, और ये हमारा खाना आ गया। मिस्टर सिन्हा के लिए वेज थाली, मेरे लिए चिकन थाली। आई कैन नॉट हैव एनीथिंग विदाउट नॉन वेज अगर मैं बाहर खाना खा रही हूँ तो। हाय, व्हाट डू यू वांट? आई वांट पुचका। देन गो एनीथ नॉट हियर बट इन गुवाहाटी। व्हाई इन गुवाहाटी? Because here, those who sell puska, they don't wash their assholes. That happens even in Guwahati. But Guwahati people are very hygiene. No, that's not true. If you talk about hygiene, puchka is not hygienic at all. You will not get any puchka here. And I will not let you eat. Mujhe chahiye. Khayega puchka. बस 10 रुपये का। उसका चाहिए? उसका चाहिए क्या? बस 10 रुपये का खाएगा, ओके? तो 2 महीने तक कहीं बाहर नहीं निकला, ओके? 2 महीने तक घर का खाना। तुमको बस मेरे साथ खड़े होके रहना है। नहीं, मैं खुद खाऊंगी।